हरे कृष्णा। मैं भक्तिविदान गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से श्री नारायणी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लाई हूँ। देखिए, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। सब बच्चे शुरू में तो सोच के घर गए थे कि चलो छुट्टियाँ आ गई और ऐसी छुट्टियाँ जहाँ मम्मी पापा दोनों घर पर मिल जाएंगे, मगर अब ये छुट्टियाँ एक पिंजरा बन गई हैं और वो उसके अंदर बंद हो गए हैं। धीरे 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 अब आपका जो अच्छे वाला खाना था उनको बहुत मजा नहीं दे रहा है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सारा दिन बोलते हैं अब क्या करें अब क्या करें, और वो सारा दिन किसी मोबाइल पर, किसी लैपटॉप पे या किसी टीवी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे बच्चों को इस समय चाहिए आपका इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो उनके ऑनलाइन क्लासेस हो या उनकी अपनी डेली रोजमर्रा की रूटीन लाइफ। इन्वॉल्वमेंट का मतलब रोका टोकी नहीं, इन्वॉल्वमेंट का मतलब है आप उनके साथ खेलें, आप उनके साथ गार्डनिंग करें, आप उनको कीर्तन करवाएं, आप उनके साथ रीडिंग करें। ये नहीं कि तू रीड कर ले, देख तेको स्कूल का होमवर्क करना था, नहीं, थोड़ा समय निकालिए प्लीज और अपने बच्चों के साथ बैठिए और उनके साथ पार्टिसिपेटिव तरीके से काम करवाइए। आप उनको घर के रूटीन काम में भी लगा सकते हैं, कुछ छोटा मोटा काम घर का उनके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे डीटी वर्शिप के लिए या घर सफाई के लिए कोई काम। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बना लीजिए कि ये काम बेटा तुमने मेरी प्लीज मेरी हेल्प करना है, मेरे को बहुत काम हो जाता है इसलिए आप मेरी हेल्प करिए। ये नहीं कि तुमने ये काम करना है, सुना तुमने, नहीं। तो उनको इन्वॉल्व करिए। देखिए, अगर हमने ये समय सही से नहीं निकाला तो ना सिर्फ हमारे को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब आर्थिक समस्या आने वाली है, ना सिर्फ हमारे को बहुत सारे लॉसेस होने वाले हैं, हो सकता है आप में से बहुतों के ऐसा हो इस समाज में जिनकी जॉब भी छूट जाए, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे कहीं हमसे गुम ना जाए। क्योंकि इस समय के बाद आप देखिए, जो आप चर्चा करते हैं उनके मानसिक स्तर पर वो इफेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर ही अंदर एक अननोन फियर, एक अनजाना सा डर बैठ गया है और उसकी वजह से आगे जाकर इनके अंदर बहुत सारी तकलीफें सामने आ सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, जैसे आर्ग्यूमेंटिव बिहेवियर, मतलब कि वो आपसे बहस करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ों को आपने नेगेटिव नहीं लेना है, आपने प्यार से हैंडल करना है। उनके साथ पार्टिसिपेट करिए, उनको प्यार से मोटिवेट करिए कि वो आपके साथ काम कराएं, डिस्कशंस करिए, उनके साथ बैठ करके कुछ पढ़िए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ शिल प्रपात की बुक्स पढ़िए, उनको कुछ ऐसे कोर्सेज में डाल सकते हैं जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वो सीख सकें, पावर पॉइंट मेकिंग सीख सकें, या वो आगे जावा वगैरह, जैसे आगे प्रोग्रामिंग वगैरह में जाना चाहते तो उसमें काम करना चाहें, या फोटोशॉप सीख सकें। अगर उनको कंप्यूटर पर बैठना ही है तो सिर्फ वीडियो गेम ना खेल के वो कुछ प्रोडक्टिव सीखें। इस तरह की कुछ चीज़ें आप उनको एनरोल करवाइए ताकि वो पॉजिटिवली अपने फ्यूचर के लिए काम भी उसको काम कर सकें। तो ये संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी था, प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस श्री नारायणी के चैनल पर डाल रही हूँ, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और बहुत सारी बातें जो हमें पेरेंटिंग में ध्यान रखनी चाहिए वो आप रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ आज इतना ही संदेश देना था, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हरे कृष्ण।